संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई अभियान चलाया गया। जी हां, संत निरंकारी चैरिटेबल द्वारा आज 23 फरवरी 2020 को संपूर्ण भारत के 1,166 सरकारी अस्पतालों में सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने 23 फरवरी 2020 को सरकारी अस्पतालों मेगा सफाई अभियान संपूर्ण भारत आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस स्वच्छता अभियान में लगभग 3.5 लाख सेवकों की मदद से 1,166 अस्पतालों के भवनों, विद्यालयों, अस्पतालों के भवन, विद्यालयों, जल निकासी, जल क्षेत्रों और पार्कों की सूचना पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं जाखल अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा कई सार्वजनिक पार्क इस सफाई अभियान में शामिल हुए। यहां सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सफाई अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष में फाउंडेशन द्वारा 2003 से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। 2010 से विभिन्न सामाजिक धर्म गतिविधियों को तथा सामाजिक ऐतिहासिक स्मारकों, समुद्र तट और नदी के किनारों, अस्पतालों और देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा बनाने के लिए 10 वर्षों से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इन प्रयासों को जन साधारण और भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है। अपने आदर्शों को वार्ता के धरातल पर देखते हुए, जैसा कि जीवन की सार्थकता तभी है अगर यहाँ दूसरों के लिए जिया जाए, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कल्याण के दृष्टिकोण से निर्देशित है, जिसका मानव के प्रति भाव है कि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है। परम पावन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से फाउंडेशन के सभी सामाजिक गतिविधियों को नियमित रूप से मानव ईश्वर अंश को जानकर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। हाँ जी, बताएं जी, आज संत निरंकारी संस्था की ओर से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इस सफाई अभियान का आपका क्या उद्देश्य है? ये जो 23 फरवरी को हम आज संत निरंकारी चैरिटेबल तरफ से सफाई अभियान चला रहे हैं, हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आज 66वां जन्मदिन है। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का ये आदेश था कि जो भी काम करना हम सादगी में करते हैं, और उनका जो पर्यावरण के ऊपर और सफाई अभियान के ऊपर उनका खास निगाह थी, और उन्होंने यही कहा था कि जब भी मेरा जन्मदिन मनाया जाए तो उसके अंदर कोई मतलब ये फालतू के आडंबर के बजाय सफाई अभियान और पौधारोपण किया जाए। तो इसके ऊपर समय समय पर जब भी हम करते हैं, कभी जैसे आज से 2 साल पहले स्टेशनों का आया था, पूरे भारत के अंदर स्टेशनों की सफाई की गई थी, और अभी पीछे 2 अक्टूबर को भी हमने जाखल जंक्शन स्टेशन की सफाई की थी, और आज जो है आज 400 इनका शहरों के अंदर 1,166 हस्पताल और डिस्पेंसरी वगैरह की सफाई आज उनके उद्देश्य के हिसाब से हो रही है। तो ये हम उनकी जयंती मना रहे हैं आज 66वीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह का जो जन्म था वो 23 फरवरी 1954 को हुआ था। तो आज ये जो आदेश सफाई अभियान का चला है, ये हमारे जो मौके के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, उनकी छत्र छाया के अंदर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सर, संत निरंकारी संस्था की ओर से आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और ये तीसरा सफाई अभियान ये सरकारी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे जो यहाँ निरंकारी सेवा दल के सभी साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये मिशन जो आज हमारे पूरे नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी है कि हमारा देश स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, हमारा हरियाणा प्रदेश साफ सुथरा हो, ये एक अच्छी पहल है। और जो हमारी ऐसी संस्थाएँ हैं, हमें सब जो हमारे हरियाणावासी को चाहे हिंदुस्तानवासी, उनको एक सीख लेनी चाहिए कि हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम एक दिन अपना समाज को समर्पित करें, चाहे वो सफाई अभियान के तौर पे हो, चाहे किसी जरूरतमंद के काम आने की बात हो, वहाँ हम हमारी एक नागरिक के नाते अपनी जो ड्यूटी बनती है उसको ईमानदारी से निभाने का काम। आपका जो कर्तव्य है हम उसकी तरफ जाना चाहेंगे कि भी उसकी तरफ से आपने जो 5 जनवरी को अनाज मंडी में जो बात कही थी वो याद है या हमने याद कराए या उसमें कितना बदलाव है? याद तो मैं सारी चीजें रखता हूँ। चलो आप बदलाव तो आपके कारण से आ जाएगी हमें। चलो ये आप उसमें कितना सुधार। आज टोहड़ल का ने एक सच्चाई की लड़ाई में, एक ईमानदारी की लड़ाई में, एक सेवा की लड़ाई में मेरा साथ दिया, और भारी बहुमत से मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और जो ड्यूटी टोहड़ल का की जनता ने एज विधायक देवेंद्र सिंह चौधरी को दी है, समाज सेवी के नाते भी मुझे पहले ड्यूटी दी, मैं उसको ईमानदारी से निभाता रहा। आज विधायक की जो ड्यूटी थी उसको मैं ईमानदारी से निभाने का मैंने वादा किया था। हमने बात कही थी लोगों से साफ सुथरा स्वच्छ
ईमानदारी का शासन प्रशासन देने की बात कही थी। आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने सरकार को, मैं पहली बात आपको बता देता हूँ कि हम स्पष्ट बहुमत से सत्ता में, आज हम जेजेपी के टिकट पर विधायक बन के आए, आज हम बीजेपी के सहयोगी और सहयोगी के नाते जितनी एक हमारी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में जो पार्टी के साथ सहयोग में हमारी उससे बात बैठ रही है, विधायक होने के नाते, विधायक होने के नाते जो वाहलकर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको ईमानदारी से जिम्मेदारी दी वचनबद्ध हूँ और मैं उस काम में लगा दूँ। ऐसे काम दूसरा नगर पालिका की ओर से बहुत सी गलियाँ बकाया पड़ी हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम पब्लिक को, और 3-3 महीने की गलियों को पार रखा है, वहां पर गंदा पानी खड़ा होने लग गया, पब्लिक को निकलने में दिक्कत हो रही है, तो नगर पालिका के ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए अभी आपने पिछले दिनों ध्यान दिया होगा, एक नगर पालिका का मामला आया था जिसमें कोई भ्रष्टाचार की खुशबू आई थी, बदबू आई थी, जो भी थी, तो उसके बाद हमने अधिकारी आनंद फानंद में ट्रांसफर हुए, हमने बुलाने दूसरे अधिकारी आए, हमने मीटिंगें ली और हमने एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी ये बातें कही थी कि पैसे का दुरुपयोग ना हो, जो जनता का पैसा सरकार का पैसा जनता का पैसा है। फिर हमने कहा था कि आप जितने भी विभाग हैं आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, अब सड़क बन जाती है पाइप नीचे नहीं होते, फिर वो सड़क को पार करते हैं, पैसे का तो दुरुपयोग है ना, पैसा किसका, आप लोगों का है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। हमने अपने जितने सुझाव थे अधिकारियों को भी बुला के देने का काम किया, बार बार मीटिंग करने का भी काम किया और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे उसमें नजर आना शुरू हुआ है। कोई भी चीज़ जब आप बदलते हैं उसमें समय लगता है, एकदम से हम सोचें कि हमारे हथेड़ी पे सरसों हो जाएगी ऐसा नहीं होता, कुछ जो सिस्टम पहले वालों के काम कराने के थे उसमें काफ़ी बदलाव हमारी कोशिश हम करें, ईमानदार सरकार भी ईमानदारी से काम करना चाहती है और आपका विधायक भी ईमानदारी से काम करना चाहता है, एक दो अधिकारी हो सकते हैं जिनकी मनसा ठीक ना हो, बाकी अधिकारी भी बहुत हमारे प्रदेश में ईमानदारी अधिकारियों की कमी नहीं है, वो भी एक अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे पहले से थोड़ा बदलाव आपको नजर आए, आगे भी आ जाएगा थोड़ा, एक बार जो एक ठहराव है सिस्टम में वो ठहराव अब आ चुका है, अब धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट और इम्प्रूवमेंट दिखेगा।